इसका नाम है सरदारा भाई, गुंडा है। अच्छा, किसी को धमकी देता है? मर्डर का केस आपके ऊपर है? अरे कांड रच के है, पिछला जन्म के वो मैं गुंडा हूँ। क्या भाई गुंडा है? क्यों अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा किया जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो अपने आप को समाज सेवी बताओ है, लेकिन अगर उसकी हरकतें देखी जाएं और उसका अगर आप निरीक्षण निकालो तो आप उसको अपने आप सोचना कि भाई ये समाज सेवी है या ये गैंगस्टर है, गुंडा है, डॉन है, बदमाश है, ये कौन है? तो मैं अब आपको मिलवाऊंगा, यो जो बीच में मंडा समारे खड़ा है इसका नाम है जितेंद्र पंगाड़। अपने आप को हिंदू टाइगर फोर्स का हरियाणा अध्यक्ष बताओ, हरियाणा का अध्यक्ष बताओ है, राष्ट्रीय संगठन। लेकिन इसका एक और नाम भी है, वो नाम सनसनीखेज है, इसका नाम है सरदारा। सरदारे राम राम भाई। राम राम भाई, राम सीधा राम। सवाल है भाई, बिल्कुल पब्लिक का सवाल है, मेरे द्वारा बड़े फोन आए भाई, गुंडा है समाज सेवी है भाई? आप देखने लग रहे हो और पब्लिक भी बता देगी, हम तो समाज सेवी का काम कर रहे हैं, हम तो समाज सेवी हैं भाई। पब्लिक गुंडा क्यों कहे भाई? भाई पब्लिक तो पता नहीं क्या बोलते हैं पब्लिक का, कुछ लोग, ये नहीं कि सारे बोल रहे हैं, कुछ जो एहतो लोग हैं ना वो बोल रहे हैं। ईसा के कर दिया, ईसा के जुलम कर दिया भाई साहब, गुंडा किससे कह देगी कोई ना? कोई ना कहो भाई, गुंडा कहने रंग लगे ना, लड़ाई हो जाए ना। हाँ भाई, कोई इतने राह चल दे ना, गुंडा कहेगा तो लड़ाई हो जाए ना, हो जाए भाई। गुंडा क्यों कर कहे भाई, बदमाश क्यों कर कहेगा ना, कहेगा भाई। बताओ नहीं पूछता हूं भाई। ईसा है देखो, अगर समाज सेवी का काम करना है तो इन उलझने में नहीं पड़ना कि भाई कौन क्या बोल रहा है, वो नहीं देखना। मन्ने पर सिर्फ समाज सेवी का जो काम है वही करना है। अच्छा, किसी को धमकी देता है? नहीं भाई, मैंने किसी को धमकी नहीं दी है। कब्जा करवाया आते ही? ना भाई साहब, मैं कब्जा क्यों करवाऊं? भाई साहब, मर्डर का केस आपके ऊपर है भाई, अब नहीं है मेरे पास। तेरा ईब को ना, लेकिन तेरे ऊपर मर्डर का केस लग गया है? नहीं लग गया वो भाई, वो तो बीत्या जीवन है भाई साहब, उसके बारे में तो क्या। सारे कांड रच के है, वो तो पिछला जन्म के वो मेरी बात, पिछला जन्म को ना, जन्म तो यो था, पर सारे कांड रचे ना भाई। ऐसा कुछ नहीं होया, ये पब्लिक खाम खा का कुछ लोग है ना, जो जिन्होंने अच्छा काम करते नहीं सुहा रहे, वो ऐसा विरोध करते हैं। एक इंटरव्यू आया था आपके हिंदी टाइगर फोर्स के नाम से, नीचे बड़े कमेंट आए कि वो खुद गुंडा है, ये बोल भाई। भाई किसी की मदद करना अगर गुंडा है तो मैं गुंडा हूँ, किसी बहन बेटी की इज्जत बचाना अगर गुंडा है तो मैं गुंडा हूँ, किसी धर्म को बचाना अगर गुंडा है तो मैं गुंडा हूँ भाई। वीडियो बनाने का मेन मकसद आज ये मेरा राह चलता फंसा है, मैं आपने बताऊंगा। ईब इसने मन्ना भी जायद लग गया भाई, गुंडा है, क्योंकि जब इसका चेहरा उड़ गया, जो आदमी खड़े एक बार दिखाइए भाई, देखिए कितने खड़े, मैं अकेला चालू भाई तो मैं गुंडा कौन है भाई? भाई तन्ना इतना ही के जरूरत से भाई। भाई साहब मेरे पास मुस्लिम लोगों की काफी मारने की धमकी आती है सीधी। क्यों आओ भाई? मैंने जो उदयपुर में कन्हैया मारा था उसके बारे में जो आवाज़ उठाई थी उस बारे में, और फिर एक नीलम नाम की लड़की है उसको न्याय दिलाने के लिए हमने आवाज़ उठाई, तो हमारे पास ईब एक लड़की के दिल्ली के अंदर 35 टुकड़े बनाए गए, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई तो हमें मारने की धमकी आ रही हैं। तो ये संगठन चला रहे हैं, इसमें काफ़ी मारने की धमकी आती है हमें, तो भाई भाइयों का साथ है, ये किराए के नहीं है कोई, मेरे भाई हैं, काकेताऊ के लड़के हैं सभी। चलो ना, ये थोड़ा आगे फ्रंट में भाई। हाँ, और राम राम भाई। राम राम, क्या नाम तेरा? मेरा दीपक है भाई। दीपक भाई, सरदारा गुंडा है या समाज सेवी है? समाज सेवी है भाई। भाई एक काम बता, समाज सेवी का सारे करवाना लाग रहे भैया, हम देखने लाग रहे गेल रहा हूँ 24 घंटे। अच्छा, जो इसने मारने की धमकी दे हैं सरदारे दे भाई? बिल्कुल भाई साहब, मैंने मीडिया में दिखाया है, प्रूफ दिए हैं, स्क्रीन शॉट दिए हैं, रिकॉर्डिंग दी है कि मारने की धमकी आती है मेरे पास। के जवाब देगा उन जो मारने की धमकी दे भाई? उनने भी देख लेंगे, इस तरह लाग रहे कार्रवाई के। थोड़े थोड़े गुंडे तो सही है, डरते कौन है? यह बात है ना, गलत नहीं सहते ना, गलत करते और आओगा उसने भी, कुत्ते बिल्ली बोलने लग गए तो फिर मारा जीने का क्या फायदा? ले भाई सरदारे, लोग नूक हुए हैं के भाई यो थोड़ा थोड़ा नू दिखागा अपने आप ने, मैं समाज सेवी हूँ, अपनी छवि सुधार गई और राजनीति माना चाहो, बता भाई। भाई साहब मैं किसी भी राजनीति के चक्कर में नहीं हूँ, और राजनीति के जो आदमी होता हूँ मैं उससे दूर रहता हूँ, मैं सिर्फ समाज सेवी के रूप में हूँ और समाज सेवा मैं करूँगा, उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा। अच्छा सरदारे, तेरा कोई क्राइटेरिया भी है भाई?
कि भाई सरदारा दो इस एरिया में मदद करेगा या इस एरिया में काम करेगा या हिंदू की मदद करेगा, कोई क्राइटेरिया भी तरह? मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई किसी भाई के दिक्कत परेशानी है, कोई माता बहन के दिक्कत है, वहीं खड़ा मिलूंगा। जय मैं कदे स्क्रीन पर नंबर दे दूर, तू उसने गाल दी पावा फोन ना कर दिया। भाई साहब काफी मीडिया में बाइट चल रही है, काफी नंबर दिए हुए हैं, जिसकी हमारे पास कॉल आती है हम उसकी मदद करते हैं, कहीं भी पता कर लो आप। अच्छा तो भाई देखे, मेरा जो मकसद था स्पष्ट करना था, जो लोग कमेंट करें थे बार बार चैनल अब है कि भाई ये तो खुद बदमाश है, तो इसको मैंने डायरेक्ट बदमाश बोल लिया, और जब मैंने इसको बदमाश बोल लिया तो सरदारे छो उठा या नहीं उठा भाई? नहीं भाई साहब मेरे कोई छो नहीं उठा, क्योंकि पब्लिक है भाई साहब, कुछ भी बोल सकती है, मेरे कोई छो नहीं उठा। मेरा काम है समाज सेवी करना, मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ और वो कार्य मैं करता हूँ। अच्छा सरदारे ठिकाना कड़ा है, एक ही तो तने लास्ट पॉइंट बटो को एक मैं काम हो दो। मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया होता भैया, कोई भी कॉल करेगा मैं वहीं पूछ जाऊंगा। जरूरत तक के करना रे आज कोई वो कब्जा कब्जा के ना भाई साहब, कब्जे हम किताबा थे इसे आदमी की था भाई, हम कब्जे करनी है, हम तो एक सिस्टर की शादी है उसके लिए आए हुए थे। अच्छा हमारे हो? हाँ तो भाई मैं तो नूडर गया था, मैं के करेंगे आज। तो भाई यो था जितेंद्र पंगाल, हिंदू टाइगर फोर्स का हरियाणा प्रभारी, और भाई उर्फ सरदारा भाई गुंडा बदमाशतम कैश को हो थारे जो इल्जाम दे, वैसे ये लाइसेंस की कोई आवद नहीं है भैया, इनके लाइसेंस हमारे पास। अच्छा हाँ। रखो नू कदे कोई आ जाए तो धमकी दे रहे हैं। देखो कई बार ऐसे होती है कि गऊं की बड़ी गाड़ी निकलती है तो उनको पकड़ने के लिए भी जाना पड़ता है, या किसी बहन को कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, कई बदमाश तत्व होते हैं जो कि उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनके पास भी हमें जाना पड़ता है, तो किसका क्या पता कि भाई किस हालत में है, किस तरह बैठा पाएगा। यो जो मंडा सा मार रहे हो, कई बार मैंने कई आपके गले में देख लिया या मंडा सा मारे देख लिए, यो है क्यों? यो हमारा हिंदुत्व का जो भकमा होता है, महात्माओं साधु संतों का जो वस्त्र होता है, ये वही है भकमा जो कि जिससे कि हमें हमारे सनातन धर्म की पहचान है। सरदारे हम जिस सतल पर खड़े हैं पाचन देखे लड़ ले दीन बंधु सर चौधरी छोटराम, जिसका जब हम नाम लेते हैं ना तो छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, सीना नु पूरा चौड़ा हो जाए है, उसके उस पर खड़े हैं भाई हम, उसके पाए हम खड़े हैं, चरणाम खड़े हैं, उसके सतल पर खड़े हैं, जो कब सही कहिए आगे लड़ ले, बदमाशी नहीं करनी, जो समाज सेवाएं करनी है तो फिर समाज सेवा। देखो भाई मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं ना बदमाशी करता ना मैं बदमाश हूँ, मैं जो अपनी बहन बेटियों के साथ जो गलत हरकत करता हूँ उनके लिए बदमाश हूँ। वसूली भाई नहीं है? नहीं, किसी माँ बहन पे कोई परेशानी होती है उसके लिए हम हैं, किसी भाई के साथ कोई अत्याचार होता है उसके लिए हम खड़े मिलते हैं, ये बदमाश का नाम दे दो या समाज सेविका दे दो, आपके हाथ में है भैया। फिर तो भाई नू का शरीफ गुंडा इसको शरीफ गुंडे की उपाधि देश कहा, जहाँ जुल्म होगा, जहाँ जरूरत होगी उड़े सरदारा खड़िया में लगा, नू कहना चाहूँगी। बिल्कुल भाई साहब, दूर दूर तक फोन भी हाँ पहुँचा भी हाँ, हम जहाँ भी बुलाए जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं, अपने आप बता देंगे। तो नीलम वाला जो मामला था जो मैंने भी कवर कराया था और अपने चैनल वो खूब वायरल भी हुआ था, वो उसका क्या रहा? वो नीलम के साथ जिसने धोखाधड़ी करी थी उसके 306 का मुकदमा दर्ज था अकबर के ऊपर, वो हमने अरेस्ट करवा दिया है। अच्छा। और अभी उसकी कार्रवाई और चल रही है, अभी तो उसमें जिस तरह हिंदू एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज करवाना है वो होने लग रहा है, कल भी SP साहब से हम मिले थे भिवानी। तो भाई यो था हिंदू टाइगर फोर्स का प्रदेश अध्यक्ष भाई सरदार, और भाई सरदार बहुत ही बढ़िया इंसान है, ये जो क्वेश्चन थे ये जो सवाल थे ये पब्लिक के थे सरदारे, नू ना मानिए पवन मलिक ना आगे तेरे को गुंडा बोला है, मेरी नज़र में भाई क्योंकि तने एक काम कराया था जो उस नीलम बहन वाला बहुत बढ़िया कराया था और वो उसमें कामयाबी हासिल हुई, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और भाई उनकी जुबान बंद कर दे जो गुंडा का है हो जाएगी, बढ़िया काम कराएगा भाई। देखो काम अच्छे करने लग रहे हैं, पब्लिक ही बताएगी हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, और कुछ लोग तो भाई आपने पता है कि होते हैं कि भाई रास्ता भटकाने वाले भी होते हैं, भाई गलत ढलान में डलाने वाले भी होते हैं, कुछ कोई बोलेगा कुछ कोई बोलेगा, हम उनकी बात नहीं सुनते, हम अपना काम है समाज सेविका वो करते चल रहे हैं। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब हमारा 93-50-35-16-16 दोबारा फिर दे रहे हम, और वो स्क्रीन पर चलता भी पाओगा भाई, आप कॉन्टैक्ट कर सको, कोई भी किसी समस्या में हो सही आदमी फ़ोन करियो, दो नंबरी आदमी फ़ोन ना करियो भाई, गलत पंगा नहीं लेंगे हमें,
जायज बात के साथ ही है, नाजायज के नहीं है। अगर वास्तव में कोई परेशानी दिक्कत है, किसी भाई को कोई परेशान करे तो हम वहाँ खड़े मिलेंगे। तो भाई इस वीडियो ने शेयर कर दो, राह चलती वीडियो है या चौधरी छोटराम पार्क के बिल्कुल से हम ही छोटराम जी के चरणों में खड़े हैं। ये आड़े या पूरी टीम खड़ी थी, मैं आड़े का जान लाग रहा था, मैंने रोक कर ये इंटरव्यू कराया, सही है भाई बात? हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप तो हमने दिखे को पीछे तो आवाज मारी आपने तो, मगर तो मलिक साहब आगे भाई कहाँ से लकड़े है। तो भाई सारे भैया ने राम राम, भाई एक राम राम तो ठोक दे। सारे भैया ने भाई जय श्री राम, हाथ जोड़ के राम राम। सारे भैया ने भाई मेरी भी राम राम, जितने ये साथी खड़े हैं सब की राम राम। यो इसका कति बाया हाथ, गब्बर सिंह का बाया हाथ यो है, देख लो इसने। ये सारे अपने भाई हैं भाई, एक यो अकेला नहीं है, ये भी अपने हैं, ये भी अपने हैं, ये भी हैं, ये भी। यो तो उस दिन भी कहता ना, मैं ज्यादा कहूँ नहीं, 24 घंटे सारे साथ रहते हैं भाई, किसी टाइम भी देख लो आप 24 घंटे साथ रहते हैं भैया। तो वीडियो को शेयर कर दो भाई, सारे भैया ने राम राम, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।